हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप एक सिंगल सेल टॉर्च कैसे बना सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे घर पे टॉर्च होता है उसमें 3 बैटरीज लगती हैं, पर मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक ऐसा टॉर्च कैसे बना सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बैटरी लगता। नॉर्मली एक बैटरी से टॉर्च का लाइट चलता नहीं है, पर इस वीडियो में बताऊँगा कि आप एक सिंगल सेल टॉर्च कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले एक वायरलेस चार्जर का प्रोटोटाइप का सर्किट बनाना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वायरलेस चार्जर का एक सर्किट कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ देखिए मैंने सर्किट तैयार रखा है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको लिंक दे दूंगा कि इसका सर्किट कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए मैंने सर्किट रेडी रखा है और रिसीवर सर्किट को मैं टॉर्च की LED के साथ कनेक्ट कर दिया है। देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है इसे, रिसीवर कॉइल कनेक्टेड है और ट्रांसमीटर कॉइल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, जो उसमें वायर्स जोड़ लिए। और उसके बाद हमें करना ये है कि हमें रिसीवर कॉइल और ट्रांसमीटर कॉइल को एक साथ जोड़ देना है। तो हमें सिर्फ चाहिए ये कि सिंगल सेल एक ही बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी को एम्पलीफाई कर सके ताकि LED जल सके। तो ये पहले मैंने LED को कप के साथ फिट कर दिया और फिर रिसीवर को उसको इस तरीके से फिट करना है। तो यहाँ पे मैं टेप लेता हूँ, ये टेप से मैं उसे उसके ऊपर फिट कर दूंगा ताकि रिसीवर कॉइल और ट्रांसमीटर कॉइल एक साथ चिपके हुए। अगर आप पिछली वीडियो को भी देखेंगे उसमें देखेंगे कि मैंने सिर्फ एक सिंगल बैटरी से ही LED को चला दिया था और यहाँ पे हमें उसी प्रॉपर्टी को यूज करना है और उसे बस एक टॉर्च का फ्रेम दे देना है। तो इस वीडियो में मैं पूरा टॉर्च नहीं बनाने वाला हूँ, मैं रिसीवर कॉइल और ट्रांसमीटर कॉइल को एक साथ कनेक्ट कर दिया। और वायर्स को भी अच्छे से जोड़ देते हैं। टॉर्च नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए टॉर्च का फ्रेम रेडी हो गया। अब हम इसे अभी से बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए टॉर्च चल रहा है, मैं यहाँ पावर को ऑन ऑफ कर रहा हूँ ताकि आप LED को जलते हुए देख सकें। ये देखिए LED जल रहा है, बुझ गया। फिर मैंने जलाया, ये बुझ गया। यहाँ थोड़ा लाइट ज़्यादा है, मैं लाइट को कम कर देता हूँ ताकि आपको LED जलता जलता दिखाई दे। लाइट मैंने कम कर दिया। देखिए LED काफ़ी अच्छा जल रहा है। यहाँ पे लाइट ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए नॉर्मल टॉर्च को भी लाइट पता नहीं चलता। तो देखिए ये टॉर्च हमारा काम कर रहा है। तो इस तरह से आप पैसे बचा सकते हैं, एक ही बैटरी से अगर आपका टॉर्च काम करेगा तो ट्रिपल बैटरीज खरीदने में जो हमें खर्च आता है वो बच जाएगा। सो थैंक यू।